हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ 16 फरवरी से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की तैयारी बैठक। कहा, आवेदन किए गए छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर चयनित कर उन्हें मार्गदर्शन देने का करे कार्य। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के तत्वाधान में 12 फरवरी से आयोजित होगा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन सतत विकास पर सुप्रसिद्ध विद्वान प्रस्तुत करेंगे अपने अपने विचार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने दी जानकारी। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने गुरुवार को विकास भवन परिसर के साथ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के क्लासेस का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र चिड़ियाघर में गुरुवार को 3 जानवरों का हुआ आगमन। DFO ने कहा, विनोद वन के जानवरों को किया गया है शिफ्ट, अभी और आएंगे जानवर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक। सभी विभागों को मार्च तक बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के दिए निर्देश। कहा, निर्माण कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर एकल अभियान तथा वर्तमान समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित किया गया संगोष्ठी। वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। विकास भवन के सभागार में जिलाधिकारी ने किया स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। कहा, वैक्सीनेशन के कार्य को शत प्रतिशत किया जाए पूरा, फ्रंटलाइन वर्करों का समय से हो टीकाकरण। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों में उत्साह की नजर आई कमी। लगभग 40% ने लगवाया टीका, किसी के चेहरे पर नहीं दिखा डर, घबराहट या चिंता के भाव। सकुशल सम्पन्न हुआ टीकाकरण। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिला मात्र 1 नया कोरोना संक्रमित मरीज, 1 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,437। अब तक 363 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 69 रह गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और मौनी अमावस्या का श्रद्धा पूर्वक मनाया गया पर्व। श्रद्धालुओं ने राप्ती सहित अन्य पवित्र नदियों में लगाई आस्था की डुबकी, किया दान पुण्य, गाय की बछिया का दान कर मंगल की कामना।